वेलकम बैक एंड अनदर व्लॉग। ये देखो ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, है ना। वीडियो देखता है ना मेरा? नहीं देखता, देखता है तो स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। आज मैं आया हूँ अपने सरदार के बंगलों पे, ये उनके गार्ड हैं। बाकी जो है ना, आज मेहमान आ रहा है अपना साबिक अहमद है, चांग साहब। चलो चलते हैं अंदर, गार्ड साहब खड़ा है इधर। तो ये हमारे साथ क्या बंगलो, इस तरफ ये फैमिली हॉल, मेहमानों के लिए खाना वगैरह हो रहा है तैयार। भाई साबिक अहमद है, चांग साहब आ रहा है। मैं तो इत्तफाकन आया था इधर उताक पे, हाँ सरबरा की सरदार साहब की उताक पे आया था, लेकिन पता चला कि चांग साहब भी आ रहे हैं। तो आज व्लॉग बनाते हैं अपना। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। साबी के मैंने काफ़ी सारे लोग आ गए, बाबा चांग साहब उतर गए। ये रहे हैं हमारे मुमताज चांग साहब। गाड़ी का लुक भाई जबरदस्त बनाया हुआ है। हाँ बिल्कुल। मुमताज चांग और इस तरफ है मखदूम सईद उस्मान महमूद, एमएनए और एमपी ए। डिज़ाइन ज़बरदस्त है। सरदारी साहब, मुमताज चांग साहब, मोहतमा बेनजीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं। सही है, बाइक पड़ी हुई है मेरे ख्याल से, खराब है या चलती है नहीं पता। चलती है थोड़ी सी। चला के दिखा, नहीं चला सकता, स्टार्ट तो कर बाबा थोड़ी सी। चाबी नहीं है। ये साहब की है गाड़ी बाबा, हमारे जो सरदार साहब हैं उनकी। चलाता मेरे ख्याल से कोई नहीं है, क्योंकि कश्मीर में इतनी अच्छी रोडें नहीं है कि इनको चलाए कोई। हाँ मोबाइल ढूंढना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना। वेला सलीम, हाँ मोबाइल छीन कर सब्सक्राइब करना है। भाई साहब एमएनए साहब के साथ जो गार्ड वगैरह आए थे उनको जो है ना खाना पेश किया जा रहा है, क्योंकि खाने का टाइम है। बाकी ये गाड़ी का लुक देख लो, ज़बरदस्त डिज़ाइन किया है। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये हमारे सरदार के बंगलो हैं, कश्मीर सिटी में हैं घर। वाह 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 वाह, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं इसलिए अब हमारे सरदार से हर कोई मिलने आएगा। खाना लेके जा रहे हैं क्योंकि पहले से ही तैयार था गार्ड्स के लिए। अच्छा यार अंदर का थोड़ा लुक दिखा दूंगा दोस्तों को। ये हमारे सरबरा की जो है ना बैठक है, बाकी मेहमान ऊपर हैं चांग साहब। तो ज़बरदस्त प्यारा और स्पेशल व्यू है। ऊपर चांग साहब बैठा हुआ है, बाकी हाँ यार ऊपर आ गया। ये देखो जी बैठक है इस तरफ भी,
मेहमान बैठे हुए हैं इस तरफ, ये ऊपर का, ये अंदर का व्यू, इस तरफ बोर्ची खाना है मेरे ख्याल से। वाह यार, चांग साहब के लिए खाना तैयार हो रहा था, बाकी मैं ये अपने बैठा के कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो उनके लिए ये जगह है स्पेशल। ज़बरदस्त बंगलो है और ये बैठा के मेहमानों के लिए ये प्यारा व्यू। फर्स्ट टाइम मैं जो है ना, फर्स्ट टाइम जो है बंगले का, तो ज़बरदस्त इस तरह का व्यू भी सेम एक ही है। ये जगह मेहमानों के लिए, इस तरफ वाशरूम। वाओ ज़बरदस्त, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो भाई, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ और ये कश्मीर सिटी में है ये बैठक। भाई साहब ये हमारे सरदार के जो बंगलों पर बोर्ची साहब है, बड़े वाले कुक साहब, ये जो है ना इसके शागिर्द हैं। इस तरफ ये चाय पकाने वाला मेरे गांव का है, दूध भी सेल करता है और बाकी दूध यहाँ पर आता ले आता है बंगलों पे मेहमानों के लिए चाय वगैरह। बाकी थोड़ी देर के बाद विज़िट कराता हूँ आप दोस्तों को। ये हमारे सरदार के जो ड्राइवर साहब हैं, पुराने वाले ड्राइवर जो हमारे बड़े सरबराह थे ना, उनके ड्राइवर हैं। असली बैठक ये है मेहमानों के लिए जो के आते हैं बाहर से, जैसे अभी चांद साहब था, बाकी वो तो मेरे ख्याल से चला गया है और वीडियो बनाना था वो भी नहीं बना सके। तू यहाँ चाय तो पी रहा था, हाँ चाय तो पी लें, बाकी ये चला गया। रुक देख लो हमारे बॉस के बंगले का, ये बैठक है। सब बड़ी एलईडी। अभी यार मैं जा रहा हूँ नीचे, चांग साहब निकल गया मेरे साथ क्योंकि मैंने उसके साथ वीडियो बनाना बारे बारे थोड़ा बारे। अभी बस जा रहे हैं यार घर, बाकी लुक देख लो हमारे सरदार के बंगलों का। बाकी ये बाहर बैठा के मेहमान बैठते हैं, वो तो चला गया। चलो बाहर भी आप दोस्तों को जो है ना अपना सरबराह दिखाता हूँ। अब मैं जो ना जा रहा हूँ क्योंकि चांग साहब अचानक निकल गया, बाकी गार्ड साहब हमारा गांव का है बुतार, अभी हमको मौका बिल्कुल है ना, अभी हम जा रहे हैं। बिल्कुल आंटी को बुलाओ, मैं जाता हूँ। छू भाई, ये कश्मीर के बीचों बीच बंगलो है हमारे सरदार का, बाकी हम जा रहे हैं अभी घर। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये कश्मीर का व्यू है, लकड़ी वगैरह हर कोई कारोबार कर रहा है, महंगाई भी है कश्मीर के, काफ़ी अच्छे हालात नहीं है। कि ये कश्मीर का व्यू, देसी मतलब सारे विलेज के लोग आते हैं यहाँ पे, शहर जैसा माहौल मतलब इसमें नहीं होता। ये ट्रैक्टर बकरियाँ, आगे ये सब्ज़ी मंडी, ये मतलब वो वाली सब्ज़ी मंडी जिसको जहाँ व्यापार होता है गंदम वगैरह का। यार मैं तो घर पहुंच चुका हूं, सोचा था कि अच्छा वीडियो भी बनाऊंगा चांग साहब के साथ, लेकिन वो तो अचानक ही भाग गया, मतलब चला गया, क्या पता नहीं, समझ नहीं आई क्यों चला गया इतनी जल्दी, या लोगों ने डिमांड कर दी। क्योंकि जब वो आ रहा था तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम लोग रोड की मांग करेंगे, तो दुआ करो यार हमारे गाँव को रोड मिल जाए, थोड़ी है थोड़ी और मिल जाए। बाकी वीडियो अच्छी लगे से लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज मुझे पता नहीं था चांग साहब आने वाले हैं, मैं बस ऐसे ही घूमने गया था, तो सोचा फिर व्लॉग ही बना लूँ वहाँ का, क्योंकि ये हमारे सरदार की जो बैठक थी जहाँ मेहमान वगैरह आते थे। तो मिठू बाय बाय करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को।